आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जूसी चटपटा चिकन फ्राई। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही जूसी से चिकन बन के तैयार होता है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसके पीस आप छोटे छोटे कटवा लीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने इसके पीस छोटे छोटे लिए, इसको अच्छे से दो तीन पानी से धो के हमने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। अब चलिए हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, दही 2 टेबल स्पून, आधा नींबू का रस 2 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चा पाउडर 2 चम्मच। हमारा मिर्चा बहुत तीखा वाला है इसलिए हमने 2 टेबल स्पून लिया है, अगर आपका कम तीखा है तो आप और ले सकते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस डाल देंगे। डाल के सभी मसालों को हमें अच्छे से मैरिनेट कर देना है। हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब इसको आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देंगे। हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है, चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपने सभी चिकन को डाल देंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे हमें चिकन को डालना है। इस तरह से हमें अपने सभी चिकन को इससे फैला देना है। इसी तरह से हमने सभी चिकनों को डाल दिया है, फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे हम 5 मिनट इसी तरह से इसको पका लेंगे, हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। 5 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए, अब हम सब इसको पलट देंगे। इसी तरह से हमें इसको सबको पलट देना है, देख सकते हैं कितना ही अच्छा सा कलर आया है। एक साइड से बहुत अच्छे से हमारा चिकन पक गया है, बहुत ही जूसी से बन के तैयार होता है, बहुत ही चटपटा सा खाना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें, आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से हमें सब कुछ इस तरह से पलट देना है और हमें उस साइड से भी हाई फ्लेम पे ही इसको हुआ लेना है। फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। हमारा चिकन इस साइड से भी बहुत अच्छे से पक गया है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो हमने उलटते पलटते दोनों साइड से बहुत अच्छे से इसको पका लिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, डाल के हमें इसको अच्छे से मिला देना है, जिससे हमें फ्लेम को लो कर देना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कसूरी मेथी को अच्छे से मिला दिया है, आप देख सकते हैं कितना ही जूसी सा देखने में हमारा चिकन लग रहा है, इतना ही देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। अब इसमें जो है हम कुछ धनिया की पत्ती डाल देंगे, 2 टेबल स्पून हमने धनिया की पत्ती काट दिया है, काट के डाल दिया है बारीक कट करके। अब जो है इसको इसी तरह से हम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे,
ताकि हमारे चिकन बहुत अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसी तरह से हम इसको चला देंगे। देख सकते हैं चारों तरफ से मेरा चिकन कितने अच्छे से पक गया है, बहुत ही जूसी सा चिकन है और बहुत ही अच्छे तक अंदर तक पक जाता है। अब हमारा चिकन एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमने चिकन को सर्व कर लेंगे। हमारा जूसी चटपटा चिकन फ्राई एकदम तैयार है, गर्मा गर्म आप सर्व करें। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें।